बिग बॉस 11 के हिस्सा रह चुके विकास गुप्ता और अर्शी खान दोनों ही जब सीजन से निकले थे बाहर तो काफी क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे। यहाँ तक कि विकास गुप्ता ने जो अमाउंट जीता था उसमें से कुछ अमाउंट अर्शी खान को भी दिया था उन्होंने एज अ गिफ्ट। ऐसे में इन दोनों के रिश्तों को जो है नजर लग गई थी घर के बाहर और दोनों काफी बड़े दुश्मन बन गए थे दोस्त से। ऐसे में अब जब इन दोनों की होने वाली है चैलेंजर्स के रूप में घर में एंट्री तो क्या होगा ये स्टेज पर ही दिखना शुरू हो गया है। कैसे बताते हैं इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। आज वीकेंड के वार के एपिसोड में चैलेंजर्स बनकर आएंगे विकास गुप्ता और अर्शी खान जो कि अपने सीजन में रह चुके हैं, साथ में दोस्त बन गए थे सीजन के दौरान, लेकिन घर से बाहर आने के बाद इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई थी। और अब जब स्टेज पर इन दोनों की हो रही है फिर से मुलाकात तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बहुत बड़ा तड़का। जी हाँ, दोनों ही स्टेज पर ही भिड़ते हुए नजर आएंगे। अर्शी और विकास दोनों ही एक दूसरे को कई सारी बातें सुनाते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि स्टेज पर ही इन दोनों की घमासान लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब ये घर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा घर के अंदर वो रहेगी देखने वाली बात। हमने देखा था बिग बॉस 11 कितना तड़के वाला, कितना मसालेदार सीजन था जहां पर सारे ही कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक जो थे बहुत ही मसाला देते हुए नजर आते थे शो को। वहां पर कॉमनर्स भी शामिल थे तो सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। अर्शी खान कॉमनर्स में से थी तो वहीं विकास गुप्ता एक सेलिब्रिटी के तौर पर शो में एंटर किए थे। लेकिन अब ये दोनों ही सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं। ऐसे में जब बिग बॉस 14 के घर में चैलेंजर्स बनकर अंदर जाएंगे तो इनके बीच में जो होने वाला है वो रहेगी देखने वाली बात, क्योंकि जो दो दुश्मन बनकर जा रहे हैं विकास और अर्शी घर के अंदर, क्या इनके बीच में देखने को मिलेगी एक बार फिर से दोस्ती या इनकी दुश्मनी गहराती जाएगी और देखने को मिलेंगे दुश्मनी के कई सारे रंग घर के अंदर। वैसे हम तो काफी एक्साइटेड है चैलेंजर्स की एंट्री को लेकर, आप कितने एक्साइटेड है इन दो चैलेंजर्स की एंट्री को लेकर जल्दी से लिखकर बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसी कई सारी खबरें एक्सक्लूसिवली हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमेशा। Thank you.